क्या हुआ वसीम भाई, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं सीनियर पीआई साहब के पास प्रोटेस्ट की परमिशन मांगने। अगर परमिशन नहीं है तो गिरफ्तारी पेश कर देंगे। यानी गिरफ्तारी देने के लिए जा रहे हैं? हाँ, बता रहे थे कि अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे। सुबह भी ऐसी कुछ हुआ तो मैं समझता हूँ कि हज़रत औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह या औलिया अल्लाह की शान के अंदर अगर गुस्ताखी होती है और उसके लिए अगर हमको 5 घंटे रहे, 5 दिन रहे, 15 दिन रहे या 15 महीने रहे, मैं आपको खाली इतना बताना चाहता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबी जब भी शुरुआत करते तो कहते थे फिदा का या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ भी यही मामला है कि अपनी जानों को कुर्बान करने का मामला है। अब इसके लिए अगर थोड़ी सी जेल में ही अगर जाना पड़े तो अगर यहाँ प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है तो मैं समझता हूँ कि मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मेरे साथ और लोग भी आएंगे आगे चल करके और हम जेल में ही आंदोलन करेंगे। आप दोनों लोग जा रहे? चल तो सब रहे। अच्छा, कितने लोग? कितने लोग को अरेस्ट करते हैं? मतलब वसीम भाई, ये जो आपने कदम उठाया है, बैनर भी निकाले गए थे शहर में, जो बैनर लगाए गए थे वो भी निकाले गए, उसके बाद आज आपने सुबह एक पहल हुई वो अनसक्सेस हुई, उसके बाद अभी आपने ये दूसरी पहल खड़ी करी है जिससे पूरा पुलिस महकमा इधर उधर उतल पतल चल रहा है, तो आपका क्या कहना है? मतलब आप कितनी दूर तक के ये लड़ाई लड़ सकते हैं? मेरा एक सीधा सा ये कहना है, मैं इस पर कोई राजनीति नहीं चाहता, ना ही किसी पार्टी का नाम देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये जमीयतुल मुस्लिमीन का लेटर है, ये इस बात को दर्शाता है कि मुसलमानों की तरफ से इस चीज़ का खंडन किया जा रहा है कि औलिया अल्लाह को यानी महापुरुषों को, संतों को जो बुरा भला कहा जा रहा है ये रोका जाए। और रही बात इसको कहीं आगे तक लेके जाने की, तो मैं तैयारी कर कर आया हूँ मेरे घर पर बोल करके कि 15 दिन तो मुझको लग रहा है, 15 दिन मैं जेल में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बता रहे थे शायद आचार संहिता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए आचार संहिता तो नहीं लगी है, फिर भी अगर नहीं इजाज़त देते हैं तो ठीक है, जेल में बैठेंगे। संविधान की किताब लेके जाता हूँ, पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ूंगा वहाँ पर और उसके बाद आगे की जो है वो रणनीति। लेटर में क्या मांगनी की आपने? लेटर में तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि प्रोटेस्ट करने की, पीसफुल प्रोटेस्ट करने की हमको इजाज़त दी जाए। अगर आप इजाज़त नहीं देते और आपने कहा है कि अगर आप गिरफ्तार कर लेंगे तो मैं अपनी गिरफ्तारी पेश करने के लिए। अगर आपको गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है, आपको इजाज़त भी नहीं दी जाती तो क्या करेंगे आप? मैं यहाँ बैठूंगा, फिर चाहे मारे लाठी चलाए। ये प्रोटेस्ट आप करने उतरे हैं तो मतलब पूरी तरह आपकी मांग क्या है? मांग इसमें यही है कि औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी बंद की जाए और जिसने भी ये गुस्ताखी की है उस पर कार्रवाई की जाए। किसी का नाम लेके फेम पहुंचाना, उसको और बढ़ावा देना और उसको उसकी टीआरपी देना और बीजेपी में जाने के लिए रास्ते बना देना, ये मैं नहीं करना चाहता, ना ही कोई राजनीति करना चाहता हूँ। धर्म हर राजनीति से ऊपर है और अगर आप किसी के धर्म के साथ अक्षर शेप वाले शब्द का इस्तेमाल करोगे तो उसके लिए ये तो मुस्लिम समुदाय आ जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अगर बाबा साहेब अम्बेडकर के खिलाफ अगर कोई बोल देता है तो क्या होता है? चक्का जाम हो जाता है, रोड बंद कर दिए जाते हैं। अगर बाला साहेब ठाकरे के बारे में बोला जाता था तो क्या किया जाता है? ST बस जला दी जाती थी, पूरा मुंबई बंद हो जाता था। तो आप हमारे धर्म गुरुओं के खिलाफ अगर बोलोगे, हमारे संतों के खिलाफ बोलोगे, मुझे तो नहीं बर्दाश्त है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अकेला यहाँ अपनी गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा हूँ, ये शुरुआत कर रहा हूँ। आज रात तक के देखते हैं और कितने लोग आते हैं, कल तक के और कितने आएंगे और उसके बाद और कितनी गिरफ्तारी। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुमरा पुलिस स्टेशन या थाना जुरिस्डिक्शन के अंदर कितने ऐसे लॉकअप है कि वो हम सब को बंद करने के लिए सक्षम है क्या? जमीयतुल मुस्लिमीन के और कहाँ जिम्मेदार का नहीं आए आपके साथ में? सब साथ में आ ही रहे हैं फिलहाल, जो है वो आज संडे होने की वजह से प्रिंट आउट का थोड़ा सा मसला था लेकिन हमने लेकर आए, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ, देखो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, अकेला भी रहा तो 15 दिन रहूंगा। और मैं तो जितने लोग आ रहे हैं सभी लोग गिरफ्तारी देने आ रहे हैं? सब देंगे, मुसलमान सब है भैया। अच्छा। सब के संत है वो, मेरे अकेले के संत थोड़ी है, कुरान सबका है, इस्लाम सबका है। और जो बेचारे चुप बैठे हुए हैं अपनी कुर्सियाँ बचाने के लिए या जो वोट देखने के लिए, तो उनको भी इसका हिसाब देना है। देखो मरने दो सबको, रोजे महशर इस सबका जवाब देना है। मैं अकेला मुसलमान नहीं हूँ, सब मुसलमान है और आएंगे।
क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मार पड़ेगी अंदर, थर्ड डिग्री होगी, जेल में डाल देंगे, कुछ नहीं होता उससे। अगर इस्लाम के लिए अगर आपको अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो इंशाल्लाह कर देंगे। आप देख सकते हैं कि वसीम सैयद जो है वो मुमरा पुलिस स्टेशन निवेदन देने और गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ पर पहुँचे, और उनके साथ में भी और तीन से चार लोग हैं। उनके टी शर्ट पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो तस्वीर भी लगी हुई है यहाँ पर, और ऐसी जानकारी आ रही है कि और भी लोग यहाँ पर लोगों को नहीं लेकर आया है कि सीनियर PI साहब ने कहा था कि आचार संहिता लागू है और हम किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते, हम आपसे पीसफुल प्रोटेस्ट की डिमांड कर रहे हैं, अगर आप हमको इजाज़त देते हैं तो हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, अगर आप इजाज़त नहीं देते हैं तो आप देखें शायद मैं अकेला रहूं कि उसके बाद कई सौ लोग आके अपनी गिरफ्तारी दें, या आप पर। तो ये तमाम लोग जो है मी औरंगजेब यानी कि मैं भी औरंगजेब हूँ इस तरह के जो है टी शर्ट पहनकर मुमरा पुलिस स्टेशन पहुँचे हैं ये सभी लोग।